कहते हैं कभी किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि हम सबके जीवन की प्रत्येक परिस्थिति परिवर्तनशील है। आज कुछ और है, कल कुछ और हो सकता है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। किसी को भी तुच्छ समझकर उसकी निंदा ना करें। समय किस करवट बैठ जाए किसी को नहीं पता। कब बड़ा छोटा हो जाए, छोटा बड़ा हो जाए, ये भविष्य पर निर्भर है। और भविष्य उसी का अच्छा होता है जिसका वर्तमान सही है। इस धरती पर बल बुद्धि विद्या से संपन्न अनेकों अनेक हुए। किसी को धन का मद था, किसी को रूप का मद था, किसी को बल का मद था, किसी को पद का मद था, परंतु कोई भी ज्यादा दिन तक अपने मद को लेकर जी नहीं पाया। आज की कहानी भी आपको ऐसा ही कुछ बताने वाली है। आपसे निवेदन है कि एक एक शब्द को ध्यान से सुने और समझें। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का गोपीश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। एक बार की बात है, समुद्र किनारे एक नारियल का पेड़ खड़ा था जिस पर नारियल लगे हुए थे। नारियल को अपने ऊंचे होने का बड़ा गुमान था कि मैं इतने ऊंचे स्थान पर साफ स्वच्छ वातावरण में रहता हूं, गंदगी तो मुझको कभी छू भी नहीं सकती। एक दिन नारियल वहीं पड़े हुए एक पत्थर की हंसी उड़ाते हुए बोला, हे पाषाण, तेरी जिंदगी भी क्या जिंदगी है, पूरे दिन गंदगी में पड़ा रहता है, जो आता है पैर से रौंद कर चला जाता है। गंदा अपवित्र पानी तुम्हें स्पर्श करता रहता है, तुम चाहकर भी कभी मेरी तरह ऊंचे स्थान पर नहीं पहुंच सकती। इस तरह से वो नारियल उस पत्थर का रोज रोज अपमान करता रहता था। पत्थर चुपचाप नारियल के अपमान को सह लेता था। एक दिन मूर्तिकार की दृष्टि उस खुरदरे पत्थर पर पड़ी जो नारियल के पेड़ के नीचे पड़ा था। मूर्तिकार ने छेनी हथौड़ी निकाली और उस पत्थर को तराशने लगा। छेनी और हथौड़ी की चोट जब उस पत्थर पर पड़ती थी तो यह देखकर नारियल और भी खुश होता था और पत्थर को चढ़ाते हुए कहता, हाय रे बदकिस्मती, वैसे भी तू समुद्र के पानी के थपेड़ों की चोट से इधर उधर टकरा कर बेसोबा हो गया था, फिर मनुष्यों के पैरों तले रौंदा गया, अब ये शिल्पी सेनी और हथौड़ी से चीर कर तुझे घायल कर रहा है, तू चिल्लाने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकता। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर जिसमें अपमान और जख्मों के अतिरिक्त कुछ और भी ना मिलता हो। और मुझे देख, मेरा जीवन कितना मस्त है, मैं बड़ी शान से अपने ऊंचे आसन पर विराजमान रहता हूँ। मित्रों, नारियल हंसता रहा और खिल्लियाँ उड़ाता रहा, पर पत्थर ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन के बाद उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को भगवान की मूर्ति का रूप दे दिया और उसे एक बड़े से मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया। एक दिन उसी पेड़ के नारियल को एक व्यक्ति ने तोड़कर उसी भगवान की प्रतिमा के चरणों में चढ़ा दिया। अपने चरणों में नारियल को पड़ा देखकर पत्थर ने कहा, जो ईश्वर की प्रतिमा के रूप में खड़ा था, हे नारियल, ऊंचा पद पाकर व्यक्ति को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। नीचे स्थान पर रहने वाला भी अपनी काबिलियत से बड़े बड़ों को अपने चरणों में झुकवा लेता है। जिंदगी में सफल और ऊंचा उठने के लिए शांत रहकर संघर्षों से जूझना पड़ता है। लोगों की तरह तरह की बातों को, मान अपमान को, सब कुछ सहना पड़ता है। जिसने कष्टों को सहना नहीं सीखा वो कभी ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकता। कष्ट सहकर मुझे जो जीवन मिला है, मुझे ईश्वर की प्रतिमा होने का सम्मान मिल गया। छेनी और हथौड़ी की चोट सहकर आज मैं ईश्वर बनकर बैठा हूं। लोग मेरा सम्मान करते हैं, मेरे आगे नतमस्तक होते हैं। इसलिए कहते हैं, जो लोग शांत रहकर चुपचाप अपना कर्म करते हैं वे आदर के पात्र बनते हैं, और जो लोग अहंकारवश घमंड का भार लिए घूमते हैं वे एक दिन नीचे आ गिरते हैं। इसीलिए ऊंचे स्थान पर पहुंचकर कभी नीचे स्थान वालों का उपहास ना करें। मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि बहुत से लोग दूसरों के दोष देखकर उन पर उंगली उठाने लगते हैं। किसी के गुण दोष निकालना ठीक नहीं है। किसी के दोष गिनने से अच्छा है कि कान में उंगली डाल ली जाए। विश्वास मानो, तुम सबके भले व्यक्ति माने जाओगे। किसी की निंदा करना उचित नहीं है, निंदा से शत्रु बनते हैं। किसी की स्थिति को अपने से मत तोलो, ये स्थितियां समय के हिसाब से बदलती रहती हैं। यदि कोई मौन रहकर आपकी बातों को सुन रहा है तो उसे असमर्थ समझने की भूल मत करना, क्योंकि लक्ष्य वही भेदता है जिसका इधर उधर ध्यान नहीं होता।
और दूसरी बात, कभी बड़ा होने का अभिमान मत करना, क्योंकि हाथी का शरीर बड़ा विशाल होता है परंतु वो छोटे से अंकुश के वश में रहता है। क्या अंकुश हाथी से बड़ा है? छोटा सा दीपक बड़े से अंधेरे को मिटा देता है। आकार में बिजली देखने में छोटी होती है, पर उसके गिरने से बड़े पर्वत भी धाराशायी हो जाते हैं। जिसमें तेज होता है वही बड़ा होता है। मोटा ताजा या शरीर के आकार से या ऊंचे नीचे से इसका कोई प्रयोजन नहीं होता। कहते हैं जैसे बिना गुड़ के सौंदर्य व्यर्थ होता है, बिना सील के कुल नष्ट हो जाता है, बिना सिद्धि के विद्या व्यर्थ है, बिना भोग के धन व्यर्थ है, उसी प्रकार बड़ा और प्रतिष्ठित व्यक्ति तभी माना जाता है जब उसे अपने बड़प्पन का अभिमान नहीं होता, जिसके होने से औरों को कोई दुख ना हो। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो स्वयं तो सुखी हैं, फिर भी अपने सुख का सुख नहीं लेते, बल्कि जो दुखी है उसका उपहास करके सुखी होते हैं। परमात्मा ऐसे लोगों को बहुत ऊपर से गिराता है, बाद में शर्मिंदा होने के अतिरिक्त उनके पास कुछ नहीं बचता। इसीलिए अपने से छोटों को कभी नींदिए मत, उसकी स्थिति का मजाक मत उड़ाइए, उसे आप सांत्वना देने का काम कीजिए, आप हमेशा बड़े बने रहेंगे। मित्रों, यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और इसके संबंध में आपके क्या विचार हैं आप हमें कमेंट में अवश्य बताना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।